नॉर्मल डिलीवरी से सर्जन हॉस्पिटल लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। पटरौना क्षेत्र के बेलवा चुंगी बाईपास रोड पे स्थित सर्जन हॉस्पिटल नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर अपना एक अलग ही छाप छोड़ रहा है। आए हुए मरीजों का कहना है कि यहाँ पर बहुत अच्छा सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी होती है। हॉस्पिटलों के मालिक एवं डॉक्टर अमृता राय का कहना है कि मेरे पास बहुत ही कम ऐसे केस आते हैं जिसमें ऑपरेशन की नौबत आती है। हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि जो भी मरीज यहाँ पर आए उनका नॉर्मल डिलीवरी हो। अधिकतर गरीब तबके के लोग ही मेरे यहाँ आते हैं, इसलिए मेरा पूरा प्रयास रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। डॉक्टर अमृता राय ने बताया कि मेरी फीस मात्र 300 रुपए है, लेकिन उसके बाद पूरे एक साल का मात्र 200 रुपया लिया जाता है। संवाददाता शत्रुघ्न यादव के खास बातचीत में उन्होंने ये भी बताया कि अगले साल से मेरे यहाँ 20 से 25 तारीख में जो भी ऑपरेशन होगा वो फ्री होगा, जिसे दूर से आने वाले गरीब मरीजों को राहत मिल सकेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीपी न्यूज और मैं शत्रुघ्न कुमार यादव आज पहुंच चुका हूं पटरौना में, जहां पे हॉस्पिटल सृजन हॉस्पिटल के नाम से विख्यात है। इस क्षेत्र में नहीं, पटरौना क्षेत्र में नहीं, पूरे क्षेत्र में अपना नाम विख्यात किया है और इसका कारण है सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी। तो आज हम मिलेंगे इस हॉस्पिटल सृजन हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब जो हैं, इनका हम संक्षिप्त में पहले परिचय जानेंगे। क्या परिचय? धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमृता राय, MBBS DGO। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी KGMC लखनऊ से की है और 2008 में मैंने पास किया और एक साल मैंने बाहर काम किया। उसके बाद 2009 में मैं पटरौना में आई और 2009 से 13 तक मैंने फाजिल नगर और पटरौना दोनों जगह काम किया। उसके बाद 2013 से ये हॉस्पिटल खुला, सरस्वती पूजा के दिन इसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद से मैं लगातार यहीं काम कर रही हूँ, सिर्फ यहीं बैठती हूँ 2013 से। जी, एक चीज मैं और जानना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कई क्षेत्रों में मैं देखता हूँ, मेन जो रीजन जिस रीजन से मैं आज यहाँ हॉस्पिटल पहुँचा हूँ, कि हर जगह नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही कम होता है। देखा जाए तो 5 से 10% नॉर्मल डिलीवरी होता है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है, उन लोगों से मैं मरीजों से भी जाऊँगा मिलूंगा भी, बहुत लोगों को मरीजों का कहना है कि यहाँ 90% नॉर्मल डिलीवरी होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी जो स्पेशली जिन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो, वो तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते ही हैं नॉर्मल डिलीवरी का। अब बाकी सबका अपना अपना वो होता है, बाकी कुछ इंडिकेशंस तो ऐसे होते हैं जिसमें कि कोई भी डॉक्टर चाह के भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकता, लेकिन बाकी लोगों का तो नहीं। लेकिन मैं अपना यह है कि मैं अपनी तरफ से पूरा 100% प्रयास करती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी मरीज़ के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें रिकवरी जल्दी होती है, मरीज़ को हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी मिल जाती है, ज़्यादा दर्द नहीं होता है। तो नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा सेफ होता है, उसमें कोई ऐसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो कोशिश हमारी पूरी ये रहती है कि नॉर्मल हो, पर कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि कोई भी डॉक्टर चाह के भी नॉर्मल नहीं करा सकता, जिसमें मरीज़ या बच्चे की जान को खतरा होता है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, मतलब मैं अभी मरीजों से मिल रहा था तो मरीजों का कहना है कि बहुत दूसरे जगह हम लोग जब जाते हैं तो बहुत, मतलब 10 से 15% ऐसे होता है कि नॉर्मल होता है, नहीं तो कोई डॉक्टर ही जाते बोलता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन लोगों का कहना है कि जब हम लोग सृजन हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो यहाँ के आप डॉक्टर हैं उन लोगों का कहना है कि यहाँ अधिकतर हम लोग देखे हैं कि बहुत 1-2% ऐसा होता है कि ऑपरेशन का नौबत आता है, आपके द्वारा नॉर्मल ही होता है। वो इसलिए शायद क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मेरे पास कुछ ऐसी मशीन्स है जैसे वेंटूज है जिसका यूज़ कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वेंटूज तब लगाया जाता है जब जैसे माँ थक जाती है या माँ जोर नहीं लगा पाती है या फिर बच्चे का सर हल्का सा फंसता है, बहुत ज़्यादा फंसा हो तब तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन हल्का सा फंसा हो तो उस पर मशीन के जो प्रेशर होता है वो प्रेशर से बच्चे को खींच लिया जाता है। तो शायद ये रीज़न है कि मेरे हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती है। जी, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जो लाइव के माध्यम से लोग जुड़े हैं, कि सबसे पहले आप रहने का है मालिक, रहने कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं तो कुशीनगर में ही पैदा हुई। वैसे मेरा जो मायका है, मेरे माता पिता जहाँ रहे वो कारखाना बेलवा फाजिल नगर से आगे एक गांव है, और मेरा ससुराल बिहार में है, गंगा छापर में, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। तो जहाँ तक आप लोग देख रहे हैं, मैं पूरी जानकारी ले रहा हूँ इस सृजन हॉस्पिटल का। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जैसे जितने भी दर्शक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, आज हमको बाहर सुनने में आया है कि आपका एनिवर्सरी है और पिछले 20 तारीख को आपका जो जन्मदिन था वो भी बीता है, तो मैं ये भी बताना जानना चाहूँगा कि आप जन्मदिन पे आज एनिवर्सरी है तो कुछ यहाँ के मरीजों के लिए क्या रियायत करती हैं आप?
देखिए मरीजों का तो रियायत ही है क्योंकि मैंने फीस अपनी कंसल्टेशन फीस बहुत कम रखी है। मतलब मेरे साथ ये है कि जैसे बाकी हॉस्पिटल्स में जनरली होता है कि मरीज़ एक महीने के बाद आया तो उसे नया पर्ची बनवाना पड़ता है, पर यहाँ पे एक साल तक वो 200 रुपये में मुझे दिखा सकता है। अगर वो OPD के टाइमिंग में आएगा तो सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे 4 बजे तक दिखा सकता है 200 रुपये में। और बाकी अब कुछ स्पेशल करने का हम सोच रहे हैं अगले साल से, हमारे 20 से 25 तारीख के बीच में ऑपरेशन फ्री होगा। जी बिल्कुल, तो आप जैसे देख रहे हैं मैम का कहना है कि कुछ स्पेशल करने वाली है, तो मैं भी चाहूँगा और यहाँ के मरीज भी जो दूर दूर से आते हैं, जैसे मान लीजिए मैं भी चाहूँगा कुछ गरीब ऐसे तबके के लोग आएँ उनको आप जैसे एनिवर्सरी पे आप उनका चुनिंदा करके और उनके लिए विशेष आप सुविधा रखने का काम कीजिए। नहीं देखिए, गरीबों के लिए तो हमेशा ही है इस हॉस्पिटल में। मतलब ये है इस हॉस्पिटल का रूल कि पैसा अगर कोई किसी के पास एक भी रुपये ना हो तो भी उसका इलाज नहीं रुकेगा। यहाँ पे ये रूल नहीं है कि आप पहले पैसा जमा करिए तब मरीज हम देखेंगे या तब उसका इलाज करेंगे, तो इसलिए अब पैसे के बिना किसी का इलाज नहीं रुकता। बाद में वो अगर कहता है कि हम नहीं दे सकते हैं, हम बिल्कुल सक्षम नहीं है देने के, तो उसके पास जो भी होता है जो खुशी से वो दे देता है वो ठीक है, और नहीं तो मतलब गरीबों के लिए, स्पेशली हमारा हॉस्पिटल गरीबों के लिए क्योंकि गरीब लोग ही ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं मैं मैम का बहुत ज़्यादा समय ले लिया हूँ, तमाम आप दिखा सकते हैं कि मरीज तमाम बैठे हुए हैं, तो मैं ज़्यादा अपना समय न लेते हुए सीधे चलता हूँ बाहर, और जो दूर दूर से मरीज यहाँ पे आते हैं उनसे भी जानने आते हैं कि हॉस्पिटल का क्या सच में यहाँ नॉर्मल डिलीवरी होता है, क्या अधिकतर हॉस्पिटलों में क्या ऑपरेशन किया जाता है, इस चीज़ की जानकारी के लिए मैं सीधे आपसे जुड़ूंगा बाहर। चल रहा हूँ यहाँ पे, जो मरीज आए अभी तो समय बहुत काफ़ी विलम्ब हो चुका है, सुबह मैम 9 बजे से ही बढ़ती है लेकिन अभी जनसंख्या थोड़ा कम है। मैं जानना चाहूँगा कहाँ कितने दूर दूर से, आप थोड़ा कैमरे को और करीब लेकर आइए, कैमरामैन आप सीधे करीब लेकर आइए, मैं जुड़ना चाहता हूँ एक यहाँ पे भी बैठी हैं लोग मरीज, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका। करीब लेकर आ जाइए, कैमरे को आप करीब थोड़ा लेकर आ जाइए जिससे दर्शकों को एकदम क्लियरिटी दिखाई दे। क्या नाम है? मेरा नाम सितारा खातून है। कहाँ से आई हैं जी? मैं पडरौन मुड़री से। कहाँ से? परसौनी से उसी नगर जो जिले में बिहार के साइड में। हाँ, भैरव बाजार। तो आप देख सकते हैं कितनी, मैं पहले ही कह रहा था इस हॉस्पिटल में दूर दूर से लोग आते हैं, आखिर उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होता है, और अधिकतर कहना भी है, मैं जानना चाहूँगा कि एक बात बताइए, उतना दूर से आप आती है क्यों इसी हॉस्पिटल में आप आती है? जी हमको यहाँ पे अच्छा लगता है, मतलब अच्छा से डॉक्टर हैंडल करती है पेशेंट को। हाँ बिल्कुल, बगल में उनसे जाने जाओ, थोड़े कैमरे को आप करीब लाएंगे जिससे दर्शकों को खुलियाम। क्या नाम है आपका? रेहाना खातून। कहाँ से आई हैं? मक्ता परसौनी से। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँ, क्यों आप सृजन हॉस्पिटल में आती हैं? क्योंकि यहाँ पर हर व्यवस्था भी ठीक है, डॉक्टर भी ठीक है, हम लोग का हर सुविधा अच्छा लगता है, और जो चीज़ के लिए आते हैं वो अच्छे से हो जाता है। तो ऐसे आप देख रहे हैं जो दूर दूर से यहाँ पे मरीज आए हैं उनको कहना है कि यहाँ जो भी हम लोग का इलाज होता है बेहतरीन तरीके से होता है और अच्छे तरीके से। हम अंदर भी आप सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, सीधे में जुड़ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे जो रिसेप्शन लगा है इसको भी दिखाने का काम करेंगे, जो यहाँ से पर्चा बनता है, और वहाँ पे सामने मेडिकल है, मेडिकल को भी आप दिखाएं जहाँ से लोग मरीज वहाँ से दवा लेते हैं। आज ही आप इधर, फिर हम पुनः आप सभी दर्शकों को ले चलते हैं सीधे जो अंदर की व्यवस्था है, हम उसको भी आपको दिखाना चाहूँगा। तो जैसे आप देख सकते हैं जो अंदर की व्यवस्था है, जहाँ बेहतरीन तरीके से हॉस्पिटल में व्यवस्था भी किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे जो नर्स हैं वो दीदी लोग हैं यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ से जो भी संचालित व्यवस्था होता है वहाँ से अंदर किया जाता है। तो आपको सीधे मैं जोड़ता हूँ इधर अंदर जितने भी मरीज हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरह हॉस्पिटल में एक बेहतरीन तरीके से व्यवस्था किया गया है, और दूर दूर से लोग यहाँ पे पूरी तरह, पूरे कैमरे घुमाकर अब दिखाएं दर्शकों को, पूरी तरह अच्छे तरीके से यहाँ पे इलाज होता है, और अधिकतर प्रयास भी रहता है, डॉक्टरों का भी कहना भी है कि अधिकतर यहाँ नॉर्मल ही डिलीवरी होता है। सीधे हम चलते हैं दूसरे कैमरे में, उधर भी कुछ जानना चाहेंगे हम, आप सीधे जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ पे भी रूम है, स्टाफ है, हम इधर भी आएंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैमरामैन से आप घुमाकर दिखाइए जो यहाँ से कहाँ कहाँ से आती है, मैं जानना चाहूँगा। सीधे एक और मरीज यहाँ पे, उनसे जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका? अन्नू कुत्ता। कहाँ से आई हैं? पडरौना से ही है। हाँ। सृजन हॉस्पिटल में किस लिए आई हैं? दवा कराने के लिए, यानी बच्चे के डिलीवरी के लिए। हाँ, डिलीवरी। हॉस्पिटल के ही चुनाव करती है क्योंकि पास का है और अच्छे भी डॉक्टर, बढ़िया से इलाज होता है। हाँ। तो ऐसे आप देख रहे हैं, एक और इधर हैं, जुड़ना चाहेंगे इनसे भी, मरीज से। क्या नाम है आपका? जैतून नास। कहाँ से आई बनी? हम आज बनी बाजार से। कितना? बिहार से। पीपरा बाजार से आई बनी। हाँ। तो आप देख सकते हैं कितने दूर से आई हैं, और क्या आपको यहाँ सुविधा बहुत अच्छा लगता है? हाँ।
मतलब जो इलाज होता है बढ़िया तरीके से होता है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे मरीज को उठाकर देख लिया जाए, सबका कहना है कि जो इलाज होता है बढ़िया तरीके से होता है। अब सीधे हम जुड़ना चाहेंगे यहाँ पे कुछ सिस्टर लोग हैं उनसे भी, देखिए तमाम दूर दूर से सिस्टर लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है सिस्टर आपका? सिद्धि चौधरी। कहाँ से हैं आप? हम कस्या से हैं। कितने दिनों से आप इस हॉस्पिटल में? 5 साल लगभग। एक चीज़ और बताइए, तमाम दूर दूर से यहाँ से मरीज आते हैं और यहाँ के मान लीजिए डिलीवरी का पूरे फेमस है कि नॉर्मल ही होता है, क्या कहना चाहेंगे जो दूर दूर से आते हैं? और अगर तमाम जैसे मान लीजिए ऑपरेशन होता है चाहे मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी होता है, अधिकतर लोगों का कहना है कि नॉर्मल ही डिलीवरी होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे दूर दूर से लोग आते हैं, आप तो कंटिन्यू यहाँ मिलती होगी, लोग मतलब जिनका नॉर्मल डिलीवरी होता है अधिकतर 90%, उनका क्या कहना रहता है यहाँ पे? सब कोई तारीफ ही करता है, सबको यही चाहता है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, या कोशिश यही रहता है यहाँ पे कि नॉर्मल डिलीवरी ही कराया जाए। कभी कभी ऐसा होता है तब सीजीरियन के लिए किया जाता है सीजीरियन। तो आप देख रहे हैं ऐसे कोई भी यहाँ पे मरीज हो या सिस्टर हो, सबका कहना है कि हॉस्पिटल बहुत बढ़िया तरीके से है और यहाँ अधिकतर नॉर्मल डिलीवरी होता है। बने रहिए केपीपी न्यूज के साथ।